Dear students Assalamualaikum. alaikum today our topic of discussion about genus cycas cycas belong to gymnosperms and gymnosperms are first naked seeded plants gymnosperms and angiosperms are collectively known as phanerogams gymnosperms are naked seeded plants but in case of angiosperms seeds are enclosed inside the fruit and gymnosperms are also known as non flowering plants these are first successful group of seed plants which are found on terrestrial land ovule not enclose and produce on fertile exposed surface ovule ripe and develop seed fertile leaves in case of sycissus are known as megasporophylls gymnosperms indicate the mechanism of heterospory it's a character lead towards evolution of seed leaves develop in cycas like a crown and the plant may live up to 100 years these are also known as living fossils in case of cycas main columnar tree trunk are unbranched and thick woody and leaf bases are also developed on the main columnar structures first then we discuss about systematic position it belongs to Gymnospermae, Devian Cycadophyta, Class Psychotaceida, Auror Psychedales, Family Psychadelaceae, and Genus Cycas. Cycas derived from Greek word "kakas" mean cocoa palm. Then we discuss about the distribution and occurrence of genus Cycas. Cycas includes 20 species occur wild or cultivated in tropical and subtropical regions. मीन मेजरली ये हमें ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिका रीजन के अंदर हमें ये मिलेंगे मीन के इसके अंदर हम एलिवेशन टू सी लेवल की बेसिस के ऊपर डिफरेंट जोन के अंदर हम डिवाइड करते हैं इस एटमॉसफेयर को और मेजरली ये ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स के अंदर हमें ये मिलते हैं और इनको मेजरली और रोमेंटल प्लांट्स के तौर पर ग्रो करवाया जाता है अभी कौन कौन से कंट्रीज के अंदर ये नेचुरली ग्रो करते हैं साउथ ऑफ एस्टर्न हेमिसफियर साउदर्न जापान इंडिया चाइना नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका Myanmar, Bangladesh, Meritius, Nepal, and also in Pakistan, two species of genus Cycas are grown as an ornamental plant. In Pakistan, first Cycas revoluta and Cycas cecilens. In India, six species, four wild and two are cultivated. Cycas cecilens. Cycus rempi, cycas pectinata and cycas bedami these are wild species in india and two cycas revoluta and cycas seminis are cultivated as an ornamental plant in india sporophytic plant body plant are low and palm like height 4 to 8 feet tallest species cycas media up to 20 feet height stem unbranched कॉलमार एंड कवर्ड विध परसिस्टेंट लीफ बेसिस मेन के जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी उसके अंदर जो ट्रंक स्ट्रक्चर है जो स्टेम स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर कॉलमुनार होगी और उस कॉल्मार स्ट्रक्चर के ऊपर लीव की बेसिस प्रेजेंट होंगी लीव सेगमेंट रिमेन सिरसीनेटली इन्वॉल्वेट विद इन द बर्ड लीव्स डाई मीन इसके अंदर ये देखिएगा कि डाइव की लीव्स इसके अंदर दो तरह की अपनी डिस्टिंक्ट फॉर्म हमें इंडिकेट करते हैं और इन्वॉल्वलेट मीन के इसके अंदर कर्ल्ड स्पायरली इसके अंदर क्या होते हैं लीव्स अरेंज होते हैं नेक्स्ट इसके अंदर देखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द मेगास्पोरोफिल आर नॉट एग्रीगेटेड इन कॉन्स मीन के इसके अंदर कौन लाइक स्ट्रक्चर फीमेल मेगास्पोरोफिल इसके अंदर डेवलप नहीं करेंगी ओव्यूल टू आर मोर बॉर्न ऑन द लोअर मार्जिन इन असेंडिंग ऑर्डर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे से अगर हम डिस्कस करें और इसकी ओवरव्यू के लिए आपकी सामने इसकी पिक्चर भी शेयर की गई है और कॉमनली अपने डिफरेंट पार्क के अंदर आप जब विजिट करते हैं या गरु के अंदर भी इनको ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर ग्रो करवाया जाता है आपने इनको ऑब्जर्व किया होगा साइ, ए, स्टेम साइकस प्लांट शो ट्यूबरस स्टेम वेन यंग बिकमिंग कार्बोनार एंड अनब्रांच लेटर मीन अनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये प्लांट बॉडी ट्यूबरस स्ट्रक्चर डिवेलप करेगी जब ये यंग होगा लेकिन लेटर अन स्टेजेस के ऊपर ये कार्बोनार स्ट्रक्चर और अनब्रांच स्ट्रक्चर ये डिवेल्प करेगी लीव शूट अपेक्स इज प्रोटेक्टेड बाय रॉजिट और ऑफ ब्राउन स्केल लीव्स रॉजिट मीन रोज लाइक इसके अंदर रिबन लाइक स्ट्रक्चर डिवेल्प होंगी जो इसकी प्रोटेक्शन डिवेलप करेंगी प्लान ग्रोज वेरी स्लोली एडिंग अ न्यू कॉर्न ऑफ लीवस

इससे नेक्स्ट देखिएगा कि सिरसिनेट फाइटैक्सिस ऑफ यंग लीव्स इज अ फॉर्म लाइक करेक्टर्स मीन के सिरसिनेट वीनेशन से यहाँ पे सिरसिनेट पैटर्न से मरा दिए कि इनिशियल जो स्टेजेस होती हैं इसके अंदर जो इनके अंदर जो आ, पिनेट ये जो लीव्स हैं ये कॉल्ड फॉर्म में होंगे लेटर ऑन वो जब ओपन होंगे तो एक ब्रॉड फ्लैट इनके अंदर स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे और फर्टेक्सिस मीन के अरेंजमेंट्स के हवाले से इसके अंदर डिस्कस किया गया लीव बेसिस इज़ रेम्बाइटल और रेम्बाइटल फोर साइडेड जो अनइक्वल जो स्ट्रक्चर होती है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है इन शेप एंड अटैच द लीफ ट्रांसफॉर्स टू दीफ लेट्स आर थिक अब इनके अंदर जो लीफ लेट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हैं, इनकी एक तो ये क्या होंगी थिक होंगी लेदरी इन टेक्स्चर होंगी और ओवेट मीन ओवल फॉर्म होगी और लेंसुलेट इसके अंदर मैंशन किया गया है कि टेपरिंग एट द अपेक्स मीन लेंसुलेट्स यहाँ पर यह मुराद होगा कि जो एंड होते हैं वो टेपरिंग होते हैं इन शेप एंड फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन नेक्स्ट इसके अंदर देखिएगा ये एक्सटर्नल मार्फॉलोजी ही का पोर्शन है इसके अंदर स्केल लीव्स आर वेरी स्मॉल रफ एंड ड्राई ट्राइंगर इन शेप एंड ब्राउन इन कलर थिकली कोटेड इन रेमनेटा रूट इज ऑफ टू टाइप्स अब इनके अंदर देखिएगा मेजरली इनके अंदर ये करेक्टर है कि रूट इनके अंदर दो तरह की डिवेलप हो रही है नॉर्मल एंड क्रोलाइट नॉर्मल टैप रूट्स ग्रो फ्रॉम द रेडिकल डीप इनसाइड द साइल ग्रोइंग आउट लेटरल ब्रांचेस जो नॉर्मल टाइप रूट्स होंगी, उससे रेडिकल डिवेल्प होगा और रेडिकल अर्थ सर्फेस के अंदर पेनिट्रेट करेगा और डीपर वो ग्रो करेगा और उसके अंदर से लेटरल ब्रांचेस लेटर अनडेवल्प होंगी, जबकि सम ऑफ द लेटरल रूट्स ग्रो एपोजियोट्रॉपिकली मीन एपोजियोट्रॉपिकली इसे यहां पे ये मीन्स है कि जैसे हम डिस्कस करते हैं कि रूट के अंदर ये मेकानिज़म होता है कि वो टू द अर्थ सरफेस मूव करती हैं या जैसे जो स्टेम स्ट्रक्चर होती है वो अवे फ्रॉम द ग्राउंड वो मूव कर रहा होता है तो जो अपो जियोट्रॉपिक इसके अंदर मेकानिज़म है बेंड अवे फ्रॉम द अर्थ इनके अंदर ये मेकानिज़म होता है टू द सर्फेस ऑफ द साइल एंड ब्रांच डायक्नस डायक्नस दाएक्टॉमस ब्रांचिंग वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ से एक ही पॉइंट से इक्वल साइज के अंदर Uh, जो इक्वल प्लान के अंदर जो ब्रांचेस डिवेल्प हो रही थी उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है दीज रूट्स आर शॉर्ट थिक एंड स्वेलन एट द टिप मीन के जो कैरोइड रूट्स होती हैं ये उनके करैक्टिस बताए गए कि एक तो ये होती शॉर्ट हैं थिक होती हैं और ये स्वेलन स्ट्रक्चर्स डिवेल्प करती हैं और स्वेलन जो स्ट्रक्चर होते हैं ये टिप रिजिन के अंदर प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के वाले से अगर हम इसको कंसल्ट करें द मच

ियस एंड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था एस्टेब्लिश्ड मीन कि इसके जो रूट्स हैं ये जो इसके अंदर रूट लाइक -like स्ट्रक्चर्स जो डेवलप्ड uh, हो रही हैं करोलॉइड जो रूट्स हैं इसके अंदर सिम्बियोटिक एसोसिएशन के लिए जो नास्टक स्टैंड होंगे वो इनके अंदर डेवलप्ड होंगे जो सिम्बियाटिक एसोसिएशन डिवेल्प करेंगे अब रूट्स के एनाटमी के बारे से अगर हम डिस्कस करें यंग रूट शोज टिपिकल स्ट्रक्चर लाइक डाइकॉमस डाइकोडिल Outermost layer epiblemma. epiblema uh, these are epidermal cells and rootlets adapted to absorb liquid nutrients. Outermost layer epiblemma encloses the parenchymatous cortex, interspersed with tinnin cells and mucilaginous canals. एंडोडर्मस विध कैसपेरियन थिकनिंग अब जो एंडोडर्मस इसके अंदर जो जोन है सेल का उसके अंदर कैसपेरियन थिकनिंग डिवेल्प होगी और जो कैसपेरियन थिकनिंग इसका देखिएगा फंक्शन क्या है कि ये सेलर फ्यूचर है हायर प्लांट का और ये जो कैसपेरियन स्टिप होती है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो इम्प्रेग्नेटेड होते हैं विद शुबरीन और लिग्न से पेरीसाइकल इज मल्टीलेयर्ड विद थिन सेल्स हैविंग स्टॉर्च ग्रेन वस्कुलर टिश्यू विद इन टिपिकल रेडियल डिप जो करेंगे तो, जोन है वो एब्सेंट हो सकती है या उस साइज के अंदर क्या होगी रेड्यूसड फॉर्म में होगी रूट शोसैंड टे अब इसी के अंदर देखिएगा दीज केमियल सेल्स आर मैस्मेटिक्स जी जो केमियल सेल्स होते हैं इनके अंदर मैस्मेटिक एक्टिविटीज होती हैं मी इनके सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होकर फर्दर मोर सेल्स क्या कर सकते हैं उसके अंदर एड कर सकते हैं एंड एडेंडरी इन साइड एंड टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स मीन के जो सेल्स के अंदर डिवीन होगी केमिकल एक्टिविटीज रिटेन करेंगे एबिलिटी है उनके अंदर डिवाइड हो रहे हैं तो जाइलम सेल्स इनवर्ड डिवाइड होंगे जबकि फ्लोइम सेल्स आउटवर्ड कॉर्टेक्स है जिनकी तरफ क्या होंगे डिवाइड होंगे अब इसके अंदर देखिएगा अलॉन्ग साइड फेलोजिन कॉर्केमियम डिवेल्प इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बिलो द एपिडर्मस मीन के बिलो द एपिडर्मस डिप हो रही है मीन के कॉर्कियम सेल्स डिवेल्प होंगे उसके अंदर लेयर डेवेल्प करेंगे दिस प्रोड्यूस डेड कॉर्क सेल्स जो डेड कॉर्क जिससे इन फ्यूचर बॉर्क डिवेल्प द आउटर साइड एंड लिविंग सेटैक्स सेल्स फेलोडर्म ऑन द इन साइड लिविंग सेल्स इसके इन साइड प्रेजेंट होंगे और जो नॉन लिविंग सेल्स हैं जिससे बॉर्क डिवेल्प हो रही है उसके आउटसाइड पे प्रेजेंट होंगे अब इसके अंदर लेंटी सेल्स आर डिवेल्प इन दर कैरोइड रूट्स के वाले से देखिएगा कि कैरोलॉइड रूट हैज़ अडिशनल अलगल जोन इन द कॉटेस मीन कैरोड रूट्स वे हैं जो इसके अंदर कोरोके अंदर स्ट्रक्चर्स डिवेल्प कर रही हैं और इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये क्या कर रहे हैं कि नॉस्टिक के साथ नॉस्टिक चेंज इसके अंदर डिवेल्प होंगे जिससे इन फ्यूचर क्या होगा सिम्बियोटिक एसोसिएशन डिवेल्प करेंगे और इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट कर रहे होंगे सेल ऑफ अलगल जोन पहले साइड लाइक एंड फॉर्म द मिडल कॉटेक्स अब स्टेम की अगर हम एनाटॉमी के हवाले से डिस्कस करें शो इरेगुलर आउटलाइंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीव एपिडर्मिस इज नॉट अ कंटीन्यूअस लेयर मीन कि इसके अंदर जो एपिडर्मिस है आउटर मोस्टर लेयर है इसके अंदर वो कंटीन्यूअस इसके अंदर लेयर की डेवलप नहीं होगी क्योंकि इसकी जो कॉलमनर स्ट्रक्चर होगी उसके ऊपर हमें स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी और वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर स्ट्रक्चर है वो लीफ बेसिस हैं ब्रॉड कॉर्टेक्स इज ट्रांसफर्ड बाय सिंपल एंड लीफ ट्रेसेस ट्रेसिस म्यूसिलेज कैनाल

देखिएगा कि वो जो मेनोजॉलिक टाइप है उसके भी होंगी। और इसके अंदर जो मेडुलरी रेस होंगे नेचर में वाइट होंगी अब इसके अंदर जो रैकिस स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर प्रेजेंट है रैकिस ऑफ साइकस एंड थिक हाइपोडर फ्यूचर इज ओ मेगा

possess all xerophytic characters, sunken stomata, and thickened hypodermis present. Well-developed palisade layer is in mesophyll. Between the palisade and lower mesophyll layer, there are transversely running long colorless cell in three to four layers extended from midrib to the near leaf margin. These constitute the transfusion tissue. Midrib bundles consist of a broad triangular centripetal xylem. एंड टू टू स्मालचेज ऑफ सेंट्री फ्यूबल डिपोजाइलिक फ्लोम अपजली प्लेस्ड यहां पर यह देखिएगा एप ऑक्ली से इसके जो लिटरल मीन होते हैं मीन के अपेक्स रीजन के साथ लोअर द अपेस रीजन के अंदर ये क्या होती है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से इसके अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह से हो रही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है और इसके अंदर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई मीन ऑफ बल्बिस बल्बिस वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर असेंशियल न्यूट्रंस और मिनरल्स जो इनको लेटर ऑन स्टेजेस पे एम्ब्रियो के डिवेल्प होने के लिए रिक्वायर होंगे वो इनके अंदर क्या होते हैं स्टोर होते हैं डिवेल्प इन सर्विसज ऑफ स्केल लीव मीन की जो स्केल uh, जो लीव बेसिस मेन कालोना स्ट्रक्चर के अंदर डिवेल्प होती है उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर डिवेल्प हो रही है एंड लीव बेसिस एट द बेसल पार्ट ऑफ एन ओल्ड स्टेम प्रोड्यूस न्यू प्लांट ऑन डी अटैचमेंट और जैसे ये बल्बर स्ट्रक्चर पेरेंटल जो काल्मोना स्ट्रक्चर है उससे डी अटैच होंगे तो एक कंप्लीट न्यू प्लांट्स के अंदर ये क्या कर जाएंगे ग्रो कर जाएंगे रिप्रोडक्शन थ्रू सेक्चुअल मैथड द मेल्सियन साइके मीन अब हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव मेम्बर एक आपके साथ शेयर की गई है मेल्सियन साइकेट्स की साइकस सेसिनेल्स लेफ्ट फोटो शो द कॉर्न ऑफ आ फीमेल प्लांट्स इसके अंदर देखिएगा जो लेफ्ट साइड पर आपको जो पिक्चर नजर आ रही है ये इसके अंदर फीमेल प्लांट हैं विथ मॉडिफाइड लीव स्पोरो लीव्स हैं वो डिवेल्प हो चुके हैं मोडिफाइड उनके अंदर स्पोरोफिल्स स्ट्रक्चर बीरिंग स्मॉल ओव्यूल्स अलॉन्ग देअर मार्जन्स सेंटर फोटो शो विद अ फीमेल प्लांट विद क्लस्टर ऑफ मैच्योर सीड्स जो सेंट्रल इसके अंदर पोर्शन देखेगा ये जो सीड्स हैं इसके अंदर क्या हो चुके हैं मैच्योर हो चुके हैं और मैच्योर सीड अटैच टू द स्पोरोफिल्स और ये अटैचमेंट इनकी किसके साथ बनी हुआ क्या है इसके कौन स्ट्रक्चर है स्पोरो है और जो इसके अंदर देखिएगा राइट फोटो है इसके अंदर ये इसके अंदर मेल कॉन के स्ट्रक्चर है राइट फोटो शो द एरेक्ट पोलन बीरिंग कॉन और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टोबुलस का भी यूज करते हैं मेल प्लान द इंडिविजुअल स्केल स्पोरो कॉन बीरिंग

मेल स्ट्रगुलस आर कॉन बॉन्ड सिंगल द अपेक्स ऑफ ट्रंक येगा करेक्टर है इनके अंदर जो मेल की जो कॉन स्ट्रक्चर है जिसको हम स्ट्रगुलस स्ट्रक्चर कहते हैं एक तो वो अपेक्स रीजन के अंदर डिवेल्प होगी दूसरा ये सिंगल इसके अंदर क्या हो रही है इन साइक इसके अंदर डिवेल्प हो रही होती है एप्पिकल शूट अपेक्स यूटिलाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल कॉन हेंस ब्रांचिंग सिंपॉर्डियल कॉन शॉर्टली स्टॉक इन लार्ज अपू फिफ्टी सेंटीमीटर इन लेंथ आर मोर इसके अंदर जो कॉन स्ट्रक्चर्स है ये स्टॉक फॉर्म में होती है और लार्ज अप टू ये फिफ्टी सेंटीमीटर तक हो सकती है इन लेंथ के अंदर और मोर भी इसकी लेंथ हो सकती है देखिएगा कि न्यूमरस माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस मीन कि जो कॉर्न के जो सेंट्रल एक्सिस हैं उसके अंदर सेंट्रल एक्सिस के राउंड में स्पाइरली क्या होंगे माइक्रोस्पोर्स इसके अटैच होंगे ईच माइक्रोस्पोरोफिल इज नैरो बिलो एंड ब्रॉड अबाउट टर्मिनली इन टू प्रोजेक्शन द एपो प्लाइज माइक्रोस्पोरिंजिया कन्फाइंड टू एप आक्सियल एप आक्सील ये प्रीवियसली भी अवर्ड यूज हुआ मीन लोअर सरफेस के साथ यूजअली प्रेजेंट इन सोराए ईच विथ टू टू सिक्स पोरजिया दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ हैपलाइट माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स मेन ये जो पोरेंजिया स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर जिसके लिए हम कोलेक्टिव वर्ड, वर्ड यूज़ करते हैं जिसके अंदर टू टू सिक्स पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे उसके लिए स्पोराए सौराय का वर्ड यूज़ करते हैं और जो इसके साथ देखिएगा कि इसके अंदर मौजूद कौन सी चीज होती है दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ हैपलाइड माइक्रोस्पोर्स के इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स होंगे क्या होंगे हैपलाइड होंगे और इनके लिए ये वो माइक्रोस्पोर्स इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है ग्रेन्स भी इनको कहा जाता है अब नेक्स्ट हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे से डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे से हमने कहा कि इनकी फीमेल्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर इसके अंदर कौन स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होती है फीमेल प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस डेफिनेट कॉन वॉल ऑफ स्पायरली अरेंज मैगापोरोफिल फिलस अराइज अराउंड द शॉर्ट अपेक्स जो शॉर्ट अपेक्स होगी उसके सराउंड में वॉल्स में क्या होंगे स्पायरली अपने आपको मेगास्पोरोफिल्स ने अरेंज किया होगा ईच मेगास्पोरोफिल रिजेंबल्स द फोलिएज लीव्स और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो फोलिएज लीव्स के साथ मिलती होगी एंड अप्रॉक्सीमेटली टेन टू ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर्स इनकी जो लेंथ है राउंड ऑफ भी देखिएगा प्रीवियसली हमने मेल के केसेस के अंदर देखा कि अप टू फिफ्टी सेंटीमीटर्स और मोर इन लेंथ हो सकते हैं जबकि ये टेन टू ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर होते हैं लोअर पेट्यूलर पार्ट बी इज द नेकेड ओव्यूल्स ऑन द मार्जन और जो लोअर इसका जो मार्जिन रीजन होगा वहाँ पर नेकेड ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे अब ओव्यूल स्ट्रक्चर्स के बारे से देखते हैं कि लार्जेस्ट ओव्यूल सिक्स सेंटीमीटर्स टू फोर सेंटीमीटर्स इसके अंदर इनकी जो स्ट्रक्चर्स है, हैं वो हैं

मिडिल स्टोमी लेयर्स द इंटैगोमिन ट्रीमेन फ्यूज इन साइड विद न्यू सेलर टिशू न्यू सेलर वो टिश्यूज हैं जिसके अंदर सेंट्रल वो पॉड है जिसके अंदर अंदर रेव्यू जो ओव्यूल है वो क्या करता है रिजाइड करता है और इसके अंदर देखिएगा इंट्रागोमेंट री मैन फ्यूज इन साइड द न्यूसेलर टिश्यूज एक्सेप्ट एट द पोजिशन वेयर इट फॉर्म द माइक्रो पायलर ओपनिंग माइक्रो पाइलर ओपनिंग वो ओपनिंग है जहाँ से इन फ्यूचर्स क्या होंगी पलम्यूल स्ट्रक्चर्स डिवेल्प हो रही होती हैं और व्यूल इज वेल सप्लाइड विद वस्कुलर बंडल्स और जो व्यूल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर भी वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं अब हम देखते हैं इस मैगापोरिजियम स्ट्रक्चर्स को द द मैगापोजास्पोज डिवेल्प इन द न्यूसेल बाय मियोटिक डिवीजन एंड गोज ऑन टू फार्म फीमेल गेमिटोफाइट टिश्यू तो मैगसपोरोफिल्स हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर है जिससे मैंने कहा कि यह सेंट्रल पोर्शन होगा जिससे इन फ्यूचर कौन सी चीज डिवेल्प होगी जो सेंट्रल पार्ट है ओव्यूल और जिससे राइप होगी वो सीड डिवेल्प होता है मियाटिक डिवीन होगी एंड गोज ऑन टू फार्म फीमेल गेमीटोफाइट टिशू टू टू थ्री अर्चिगोनिया आर फाउंड इन दिस हैप्लाइट टिश्यू विच इज फूड लेडन एक्सेल इन द वटर ऑफ अर्चिगोनिया अंडर गोज फर्टिलाइजेशन बाई द मोटाइल्स परमाटोसाइड फॉर्मिंग डिप्लाइट जय नेक्स्ट हम इसके अंदर आते हैं कि इनके अंदर पोलिनेशन कैसे इससे प्रीवियस हमने ये डिस्कस किया कि जो साइकेस है वो है क्या है उसकी सिस्टमेटिक पोजिशन क्या है कौन से हैबिटॉट के अंदर हमें ये मिलता है और फिर उसके हमने अंदर स्ट्रक्चर देखिए मीन इसके अंदर और उसकी स्टेम स्ट्रक्चर देखी है उसकी लीव uh, स्ट्रक्चर देखी है और फिर उसके अंदर हमने मेल्स पोरजिया स्ट्रक्चर देखी है कौन स्ट्रक्चर देखी है जिसको स्ट्रबुलस कहते हैं और उसके साथ आपने देखा कि फीमेल मेगास्परो स्ट्रक्चर्स और इसके साथ आप हम देख रहे हैं कि इनके अंदर जो पोलिनेशन का मैकानिज्म है और पोलीनेशन होगी द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट पोलिनेशन के बाद कैसे होगी पोलन ग्रेन आर कैरीड बाई विंड मीन इनके अंदर जो पोलिनेशन का जो मैकानिज्म होता है वो विंड के थ्रू होती है इन कैच पोलिनेशन

tube at this time the generative cells divide and form a large larger upper body cell and smaller low stock cells the pollen tube act as a historium to absorb food material from the new nucellus besides as a sperm carriers the plant body cells divide and form two naked top sh shaped motile multiciliated antheroside the cilia are in 4 to 5 स्पायरल्स मीन कि इसके अंदर जो मेल स्ट्रक्चर उसके अंदर देखिएगा कि सीलिया डिवेल्प हो रही है ये सीलिया जो होंगे ये वॉल्स के अंदर फोर टू फाइव वॉल्स के अंदर डिवेल्प होंगे और ये मिसलिए जो, जो मल्टी सिलियटेड इसके अंदर जो लेयर्स वो डिवेल्प करेंगे द मेल गैमिट्स ऑफ साइकस आर वन हंड्रेड एटी टू टू हंड्रेड माइक्रो इन साइज एंड लार्जेस्ट इन प्लान के नाम कि ये जो मेल गेमिट्स हैं साइकस के केस के अंदर ये प्लांट्स के अंदर जो लार्जेस्ट साइज़ के गेमिट्स हैं

एम्ब्रियोनल इसके अंदर अंदर देखिएगा जो एम्ब्रियो है उसके पोर्शन क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर जो अपर पोर्शनों होगा वो हिस्टोरिया के तौर पर जो उसका रोल होगा जो मिडिल इसके अंदर पोर्शन है वो सस्पेंसर के तौर पर रोल प्ले है जबकि जो इसके अंदर बेसलैटिकल रीजन प्रेजेंट होगा इसके अंदर आपके क्वेश्चन किया लांगिट्यूडल सेक्शन ऑफ़ सीट ऑफ साइकस कि लागीट्यूडल सेक्शन ऑफ़ सीट उसके अंदर अपने उसकी इंडिकेशन देनी है कि उसकी जो सीड स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी नंबर फोर के ऊपर है ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ साइकस और लाइफ साइकिल ऑफ़ साइकस के अंदर अब मैंशन करेंगे अभी देखेंगे डायोशियस डायोशम के दो प्लांट्स हैं उन दो प्लांट्स से कैसे स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होंगे स्पोर्ट्स के प्रोड्यूस होने के बाद उनके अंदर मियास हो रही है मियास के बाद वो आपस में क्या करेंगे फ्यूइन करेंगे फर्टिलाइजेशन होगी सिन गेमी का मैकेनिज्म होगा और फ्यंग के बाद उनके अंदर सस्पेंस स्ट्रक्चर डेवलप होगी और सस्पेंसर स्ट्रक्चर्स के डेवलप होने के बाद

तो so, अब अब इनके अंदर हम सीट के बारे से डिस्कस करते हैं मैच्योर एम्ब्रियो स्ट्रेट एंड हैज़ अ शॉर्ट हाइपोकोटाइल एम्ब्रियोनाइल एक्सिस हैज़ अ बलम्योल एट वन एंड एंड रेडियल एट द अदर रेडिकल इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा कोलियोराइजा वो है जो अर्ली स्टेज के ऊपर मीन के जिससे रेडिकल डेवलप होता है उसको यह क्या करेगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा नंबर ऑफ कॉडिलेटेंस मे बी टू टू थ्री न्यू सेलिस इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन द सीट मेच्योर इज लार्ज 2.5 to 5 cm फाइव सेंटीमीटर वाइट एंड or red in ऑरेंज और रेड इन कलर जर्मिनेशन इज एपीजी टाइप अब इसके अंदर हम लास्ट डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइकस के हाले से अगरचे पाकिस्तान के अंदर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेजरली यूज़ नहीं किए जाते हैं इस तरीके से जिस तरीके से इनको दुनिया के अंदर या डिवेल्प्ड कंट्रीज इनसे डिफरेंट एक्सट्रेक्ट गन करते हैं और उनको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं साइकस इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड इन जापान आस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया southern and eastern part of india and some other countries it is used in the preparation of starch and alcoholic drink the starch extracted from its stem is called sago second in japan seeds and stem of Cycus revoluta are used for preparing wine the juice obtained from young leaves of Cycus sisinellus is used in skin diseases vomiting of blood and stomach disorder the decoction of young red seed of

रेबोलोटा आर प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ अ टेंचर एंड यूज साइकस रेबोलोटा एंड साइकस सेल प्लान आर ग्रोन फॉर ऑर्नामेंटल परपजेज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड और मेजरली ये दानों से भी इसको पाकिस्तान के अंदर भी इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ के बेसिस पर इनको ग्रो किया जाता है